चर्चा का दौर जारी रखते हैं। स्टूडियो में स्वागत करते हैं एडवोकेट पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही भाजपा से जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, नीरज जी मेरे साथ बैठे ही हैं। पूनम चंद जी, जनता ने एक तरफा फैसला दिया है, किस तरीके से देखते हैं सारे चुनाव परिणाम को आप? देखिए, मोदी जी की जो लहर थी ये अब मालूम पड़ी है, और मुझे लगता है जो मोदी ने राष्ट्रवाद की जो बात की थी बार बार के अंदर, और उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, उनके भाषण देने का तरीका नए युवाओं में और जनता में चला गया कि ये पाकिस्तान को यही मात दे सकते हैं, घर में घुस के मार सकते हैं। कि मोदी जी का मुझे आज भी एक चीज़ ध्यान है, घर में घुस के मारूंगा, ये जो उनकी नैरेटिव था ये लोगों को पसंद आ गया, और लोगों ने सोचा पूरा एक बार इनको वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं, देश के लिए पहले इनको देते हैं। उन्होंने रोजगार की बात नहीं, किसान की बात नहीं, कोई बात नहीं जनता ने देखा, और क्या मोदी जी को जिताना है जो इतनी बातें कर रहे हैं और ये करके दिखा सकते हैं। क्योंकि पुलवामा के बाद जो कार्रवाई की गई थी उससे लोगों को विश्वास हो गया था ये कर सकते हैं, 370 की बात भी की और भी की थी, तो जनता को एक विश्वास ये दिलाने में पैदा हो गए थे। और राहुल गांधी ने सबसे बड़ी जो गलती बार बार मोदी को चोर, मोदी को चोर कहा, ये जनता को ये बात पसंद नहीं आई कि एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार की बात कहनी चाहिए, ये शायद वो समझ नहीं पाए। और दूसरा, जनता के सामने एक बात और थी कि मोदी के सामने अगर प्रधानमंत्री बनाए तो किसको बनाया जाए, ये व्यक्तित्व भी कोई सामने था नहीं। अगर व्यक्तित्व को होता शायद कुछ फर्क पड़ सकता था, तो उनको लगा नहीं मोदी जी हैं जिन्होंने कुछ पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, तो ऐसे में इस देश के लिए मोदी जी को देना जरूरी है, मोदी जी को बनाना जरूरी है। और जो मोदी जी की बात कही, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये कुछ नारे उनके इस प्रकार थे जो लोगों के दिमाग में घर घर गए थे, उनके मानस पटल पर ये बात लगातार बैठ चुकी थी। इसके अलावा जो राहुल गांधी वगैरह ने कई जगह जो पैक्ट नहीं किए, जैसे एमपी में था, अगर ये मायावती कर लेते तो कुछ फर्क पड़ सकता था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कर लेते तो फर्क पड़ता उनका, इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर JJP से आम आदमी पार्टी से कर लेते तो फर्क पड़ता, और यूपी के अंदर जब मालूम था हर बार इनकी 2 सीट आ रही है पिछली बार भी, अगर कुछ सेक्रीफाइस कर लेते तो बहुत फर्क पड़ता। भाजपा ने इतना कुछ होते हुए सेक्रीफाइस जगह जगह किया, आप देखिए बिहार में भी इन्हें 5-6 सीटें कम मिली तो उन्हें कर लिया, राजस्थान में 1 सीट छोड़ देने की दिक्कत नहीं है कि जाटों का कुछ फायदा मिल जाएगा तो यहाँ भी कर लिया उन्हें, MP मतलब आप ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर वहाँ भी इन्होंने कुछ सीटें हमें कम कर ली। तो जो लिबरल ये करके और जिस मैनेजमेंट से जिस तरीके चुनाव लड़ा गया, एक एक सीट के लिए मेहनत की गई, और अमित शाह ने जो मैनेजमेंट किया वो उस समय नज़र नहीं आया, लेकिन उन सारी बातों का अब लग रहा है कि वाकई ये है मोदी जी की लहर थी और जबरदस्त लहर थी, और अब मोदी जी ने पर लोगों को विश्वास तक जता दिया उन्होंने, क्योंकि लड़ाई विश्वास और अविश्वास के बीच में थी कि राहुल गांधी पर लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कुछ करके दिखा सकते हैं क्या ये। और आज मैं देख रहा हूँ, देखिए 6 बजने वाले हैं, राहुल गांधी अभी तक TV पर नहीं आए हैं, आकर के उनको जिम्मेदारी से अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए थी, और मैं कह रहा हूँ इनको चाहिए कि अध्यक्ष पद का त्याग करें, छोड़ें कि भाई मेरे नेतृत्व चुनाव लड़ गए और जनता मुझे नहीं लाइक कर रही है तो मैं छोड़ता हूँ, तो शायद उनका कद बढ़े, पर अभी तक नहीं आए, और ना इनके जो और नेता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी की गलती कारण से हम ही चुनाव हारे हैं, ये जनता को इनको बताना चाहिए, करके मुखर होकर बात करनी चाहिए। संगठन जो तार तार हो रहा है इसको अगर मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये जो मोदी कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये अपने आप ही होने लग जाएगा, बहुत सोचने का विषय है। सिर्फ पंजाब के अंदर जो थे वो वहाँ पर उनको अच्छी सफलता मिली है, और वहाँ राहुल गांधी का रोल नहीं है, राहुल गांधी वहाँ ज़्यादा गए भी नहीं है, वहाँ पर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जादू चला है और किया है, तो इनको बहुत सोचने का विषय है और जवाब देने का विषय अब आ गया है, समय आ गया है मोदी जी का कि जो वादे किए थे, बड़े बड़े जो किए थे उनको अमल में लाएं, उनको करके दिखाएं, और जनता को विश्वास है, और मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी हैं ये करके दिखाएंगे, ये बात ये, और नहीं जनता ये है जिस तरह कांग्रेस साफ किया है उसे इनको भी साफ कर देगी। बिल्कुल भंडारी सही कह रहे हैं आप, जितेंद्र जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी को, लगता है अब देश की जो जनता उम्मीदें हैं उस पर थरा उतरना बड़ी बात होगी, क्योंकि देश की जनता की निगाह अब मोदी पर टिकी है, जो वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, मोदी जी ने किए हैं, उन पर खरा उतरने का समय अब आ गया है। बहुत ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की है पार्टी ने, और जिस तरह का ऐतिहासिक जो माहौल देखने को मिला है, लगा वाकई में सुनामी जो मोदी की आई है, मोदी की सुनामी का आपकी पार्टी में पूरा देखा गया है। हर चुनाव, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था कि सब MP मिलकर एक PM चुनते हैं, लेकिन यहाँ एक PM ने सारे MP चुने हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी विश्वास है, कितना बड़ा जनता का भरोसा है
बड़ी चुनौती आपको लगता है? बिल्कुल आपने सही कहा नीरज जी, ये जो चुनाव का जिस प्रकार के परिणाम आए हैं और जिस प्रकार के जनता ने मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है, तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि पिछले 5 साल मोदी जी ने जब इन चुनावों का आगाज हुआ था तो उस समय भी ये बात बिल्कुल अपने भाषणों में कही थी कि 5 साल बनाम 55 महीने बनाम 55 साल के बीच का चुनाव है ये, 55 महीने का विकास का काम और 55 साल जो कांग्रेस के शासन के समय विकास के रहे उनके बीच का चुनाव। परंतु उसके बाद में जो परिदृश्य बदला, और जहां तक भंडारी जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है काफ़ी हद तक, कि इसमें जो मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार के पूरे 55 महीनों के अंदर जो काम जिस प्रकार से किए गए और विशेषकर आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उन आतंकवाद की लड़ाई आप ये देखिए कि हमको बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि जब पहले आतंकवाद की कोई घटना हिंदुस्तान में होती थी और लगातार जब होती थी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सेट 4 लाइन लिखी होती थी कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी, ये सेट लाइन लैंग्वेज थी और हर घटना के बाद में यही लैंग्वेज आती थी। पर पहली बार न केवल उन्होंने भाषणों में ये बात कही बल्कि उसको करके दिखाया और जब पूरे विश्व ने इस बात को माना, आप ये देखिए कि जब भारत ने कार्रवाई करी उससे पहले अमेरिका ने कहा, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है और उसके बाद के अंदर भारत ने बहुत बड़ी कार्रवाई करी, तो ये उसका पूरा जो माहौल बना और उस सेना के ऊपर जिस प्रकार की बातें कही गई, आप ये देखिए नीरज जी, बहुत ही जनता बहुत समझदार है, वो इस बात को जानती है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, पूरा विश्व जिस बात को मान रहा है तो विपक्षी दल क्यों नहीं बात इस बात को मान रहे, तो ये बहुत बड़ा विषय रहा। और उसके बाद के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया, मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस का भी अस्तित्व रहना चाहिए इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, परंतु कम से कम कुछ बातों के ऊपर उन चीजों को घोषणा पत्र में इस प्रकार से शामिल नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने शामिल किया। आप ये देखें कि देशद्रोह के कानून को समाप्त करेंगे, ये एक ऐसा विषय है जिसने राष्ट्रवाद की भावना को अपने आप इस देश के अंदर फैलाया। उन्होंने कहा हम कश्मीर से सेना को कम करेंगे, सेना के विशेषाधिकारों को हम कम करेंगे, ये सारी ऐसी बातें थी जिसके ऊपर भारत की जनता इस बात को कतई सहमत नहीं थी कि हम ये चीजें चाहते हैं, इस देश में ये चीजें लागू हो, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने आतंकवाद के दंश को झेला है और एक बार नहीं अनेक बार कई दशकों तक आतंकवाद को इस देश ने झेला है। इसलिए इस देश के युवाओं ने कहा कि नहीं चाहिए हमको 72,000, पर हमारा देश सुरक्षित चाहिए, हमको चैन की नींद चाहिए, और चैन की नींद तभी आ सकती है जब पूरे विश्व पटल के ऊपर भारत एक मजबूत राष्ट्र के अंदर के राष्ट्र के रूप में उभर के आए। और यह बात बिल्कुल आपकी बात सहमत हूं इस बात से कि अब जितना बड़ा मैंडेट जब होता है किसी दल के पास में तो उतनी बड़ी चुनौती होती है। यदि हम राष्ट्रवाद की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हम चले हैं तो हमको यह दिखाना पड़ेगा हर उस घटना के ऊपर, हर उस बात के ऊपर हमको दिखाना पड़ेगा कि हम अपनी बातों पर खरे उतरे हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने 55 साल तक केवल भाषण सुने हैं, अब प्रैक्टिकल के अंदर वो चीज देख रहे हैं तो जनता इस बात के ऊपर अपेक्षा करती है। उम्मीद करें राम मंदिर बन जाएगा, धारा 370 हट जाएगी, उम्मीद करें बिल्कुल। आप ये बात बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी पर है, बिल्कुल इस विषय के ऊपर काम होना चाहिए, इस विषय के ऊपर 4 कदम भी अगर चलेंगे तो जनता निश्चित तौर के ऊपर दोबारा हमारे साथ होगी। नहीं अगर मतलब 4 कदम से कुछ नहीं होगा बताता हूँ आपको, ये नहीं है, देखिए 4 कदम ये नहीं है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आगे बढ़ गए बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जनता ने जनाधार सेवेंटी की बात करते थे, बिल्कुल ठीक बात है, बात करते थे, मैं अब आपको जनता को ये रिजल्ट देना पड़ेगा कि जो हमने वादे किए थे वो आप जैसे आतंकवाद खत्म करने वाले थे, बहाना नहीं चलेगा, पाकिस्तान को सबक नहीं, मैं इस विषय पे मार्केटिंग तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मोदी ने मार्केटिंग बहुत अच्छी करी है, हालांकि पहले भी स्ट्राइक हुई ऐसी बात नहीं है, पहले भी आ जाके मारा गया है, लेकिन जिस ढंग से जनता के दिमाग में पहुंचा दिया कि हमने करके दिखाया, ये बात तो बहुत अच्छी बात जनता समझ गई है, अब आपको करके दिखाना पड़ेगा, अब आतंकवाद पे सूट एट साइड जॉइन करने पड़ेंगे, कश्मीर की समस्या आपका बहुत बड़ी समस्या है, उसको आप उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल भंडारी सही कह रहे हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि अब आपके पास बहाना नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बहुमत है और कोई विपक्ष में बहुत ज्यादा बचा नहीं है मामला, तो आपके पास कोई बहाना करने की वजह नहीं रही है जिसकी वजह से आप यह कहें कि हम यूं ये कर पाने में असमर्थ है, राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। जितेंद्र जी को छप्पर फाड़ के वोट दिए, बिल्कुल छप्पर फाड़ के वोट दिए जी, मैं एक बात कहूंगा, भंडारी जी मेरे से अधिक कानून के विशेषज्ञ हैं और इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से
बल्कि उससे पूर्व जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का यह ध्येयवाक्य रहा है कि इस देश से जो काला कानून धारा 377 है उसको 370 है उसको हटाया जाए और 35A का जो कानून लाए गए हैं इसको ये देश के माथे पर कलंक है इनको हटाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येयवाक्य रहा है। परंतु साथ साथ हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि इनमें केवल संसद केवल लोकसभा के अंदर बहुमत से काम नहीं चलता है, यहां पर राज्यसभा के अंदर भी बहुमत चाहिए होता है और राज्यों के का सहयोग भी उसी प्रकार का रहे। और इस कदम में इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहल करके इस ओर कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक ऐसा कदम होगा जो एक अविस्मरणीय होगा और एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पर साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर केवल राष्ट्रवाद ये नहीं, ये जो चुनाव हुआ केवल राष्ट्रवाद और ये इसके साथ साथ जो 5-55 महीनों की सरकार ने जो काम किया आप ये देखिए, काम पर वोट नहीं, आप मैं बताऊं काम पे वोट नहीं, देखिए ये जो युवा मतदाता है मजबूत सरकार, ये जो युवा मतदाता है युवा मतदाता मेरा निवेदन ये है कि ये जो युवा मतदाता है ये युवा मतदाता केवल भाषण और लफेबाजी पे नहीं चलता है। आजकल हर युवा के हाथ में मोबाइल रहता है और हर चीज का जवाब वो तुरंत गूगल के ऊपर ढूंढ लेता है। तो आज आप केवल नए मतदाता को केवल भाषण दे करके या उसको शब्द भाग दिखा करके आप कह रहा हूं मैं, उसके साथ साथ युवाओं ने इस बात को देखा कि जिस समय भारत देश का जब आजाद हुआ उस समय जो भारत देश के आजादी के समकक्ष जो अनेक देश आजाद हुए वो विकास की कहां ऊंचाइयों तक पहुंच गए और भारत की क्या स्थिति रही है। तो ये 55 महीनों के अंदर आप ये देखिए कि 70 साल बाद के अंदर हम शौचालय बनाने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है, एक आम जनता के लिए रहने के लिए मकान बनाने के लिए अभी अभियान चलाना पड़ रहा है। तो इतना बड़ा जो काम हुआ है इतना बड़ा जो काम हुआ 2022 तक मकान देने बहुत महत्वपूर्ण काम जी 2022 तक मकान देने। जितेंद्र जी सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए देश की जनता ने छप्पर फाड़ कर बहुमत दिया है और देश हीरो वर्शिप की तरफ बढ़ रहा है, ये फिर एक तरह से मोदी युग आ गया है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, अभी भी हर आदमी को छत नसीब नहीं हुई है, बिल्कुल अभी भी शौचालय बन गए लेकिन पानी नसीब नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी चुनौतियां इस देश के सामने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नीरज जी, और इसीलिए भाजपा का जो घोषणा पत्र देखा होगा उसमें एक महत्वपूर्ण इस बात को शामिल किया गया है कि नल के साथ में जल, नल पहुंच गया, नल के पहुंचने से पर्याप्त नहीं है, नल के साथ में जल पहुंचना। और आपको ध्यान होगा कि अटल जी के समय में इस मामले में बहुत बड़ा काम हुआ था जो बाद में किसी किन्हीं कारणों से चल नहीं पाया कि इस देश में कहीं पर बाढ़ और कहीं पर सूखे की जो स्थिति रहती है उनको एकाएक करके जोड़ने बात करी आपने, इन इन सब बातों को इनको एक करके नदियों को जोड़ने का जो विषय भाजपा के शासनकाल में जो पहली बार चालू हुआ था वो अब हमको देखेंगे, हम उसकी प्रणति इन 5 साल के शासन में देखेंगे कि वो 22 तक आपको मकान देंगे। सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि अटल जी ने जो काम शुरू किया था मनमोहन सिंह जी ने उसको बंद कर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने नदियों को जोड़ने की पहल में कोई कदम नहीं उठाया, क्यों भंडार जी आपको लगता है अब तो उम्मीद की जा सकती है मोदी जी से? नर्मदा योजना का जो काम किया वो तो मोदी जी की सरकार में किया। 2022 तक तो मकान देने, देखिए सबसे पहले बात तो ये 2022 तक सबको मकान देने हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, अब आतंक को रोकना बहुत जरूरी हो गया आपको। ये कश्मीर की समस्या का उसे बेरोजगारी लोगों की जबरदस्ती है, 4,71,00,000 बेरोजगार कम हो गए, रोजगार कम हो गए। उनको बता दूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी जी को भी ट्वीट करके बधाई भी दी है इस इतने अच्छे मैंडेट की। नहीं मैं कहूँ, देखिए पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी है तो हमारा भाई था वो जी। तो अगर भाई कुछ गड़बड़ करे तो सबक सिखाना बनता भी है, सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन अपने पड़ोसियों से अपने प्रेम संबंध बनने जरूरी है। जी क्या है कि कुछ जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है वो सरकार की नीतियों के कारण भी पैदा होती है। हमको बहुत अच्छी तरह ध्यान होगा, बहुत बड़ा मजबूत निर्णय लिया था हमारी सेना ने कि उस समय बांग्लादेश को अलग किया और 95,000 सैनिकों के साथ के अंदर पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। पर उस समय अगर वो एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसा दौर था कि अगर भारत सरकार चाहती तो कश्मीर की समस्या उसी दिन खत्म हो सकती थी, परंतु निर्णय नहीं लिया गया। मोदी कर देंगे, इस प्रकार के जो कमजोर निर्णय होते हैं वही देश के भविष्य को निर्धारित करते हैं। अब तो जनता ने मोदी जी पे विश्वास जता दिया है, 5 साल पहले आपको मिल गए, 5 साल आपको और मिल चुके हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये नहीं कह पाएंगे अगली बार आज हमें टाइम नहीं मिला, 10 साल पूरे आपको मिल चुके हैं, 6 साल 8 साल पहले मिल चुके हैं, अब आपके 5 साल जो है ये वर्क करके दिखाने के लिए जी, मैं उम्मीद करते हैं। बताऊं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मोदी जी चुनौती है, जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात है। एक बात और देखिए, साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात देखिए, जनता ने वोट मोदी को दिया है
किसी एमपी को नहीं दिया है, आप देखें मोदी जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दिया है। नहीं नहीं नहीं, आप भाजपा के घोषणा पत्र में दिया है। नहीं 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 नहीं, मोदी को इस बार पहली बार देखा गया जितेंद्र जी कि भले ही कोई सी भी चुनावी रैली हो, लेकिन मोदी जी ने सीधा कहा कि आप वोट फूल को देंगे, सीधा मोदी को जाएगा, मोदी वोट जाएगा। उन्होंने मंच पर किसी भी बैठे हुए जनप्रतिनिधि का जो चुनाव लड़ रहा था अब उसका नाम तक नहीं लिया। इससे साफ जाहिर है कि देखो उन्होंने एक बड़ी लीडरशिप खड़ी की है, आप उसको नकार नहीं सकते। इसीलिए तो मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में जो ये बात कही कि आपका जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, ये बिल्कुल सही है। पर साथ में जो अगर हम पूरा भाषण सुनेंगे तो उन्होंने पूरी बात क्या कही, उन्होंने ये कहा कि हमने पुलवामा में या उरी में हमने घर में घुस करके अटैक किया, हमने निर्णय लिया। ये किसने किया, सेना ने ये जो कार्रवाई की किसके दम पर करी, आपके वोट के कारण से हुई। तो आपका वोट जो आप वोट जो वोट आप दोगे वह वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा। और मैं अगर मजबूत होऊंगा, क्योंकि इस देश के अंदर अनेक साल तक हमने बहुत लंबा इतिहास देखा है, इस देश में एक पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दल ने, गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बनी है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब गैर कांग्रेसी किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला हो। तो पूर्ण बहुमत की जब सरकार आती है, जितेंद्र जी की पहली बार ऐसा हुआ कि जब पीएम मोदी ने सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, एक व्यक्तित्व खड़ा था पूरे देश में, वो पीएम मोदी थे, मोदी के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं था, और देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगा गया। कहीं उनको लगा कि कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उन्होंने उस चेहरे को सामने आने ही नहीं दिया, और जनता के सामने एक ही चेहरा था, वो मोदी था, और देश में मोदी के नाम पर वोट मांगे गए। तो अब मोदी जी की जिम्मेदारी भी बड़ी है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि राज्यसभा में बहुमत, अब राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, और अब जो घोषणाएं की है, क्योंकि घोषणा पत्र को लागू करना, जो सपने दिखाए हैं अपन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए हैं, वो सपने पूरे करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। अब बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि जितना बड़ा मैंडेट होता है उतनी बड़ी चुनौतियां भी होती है, ये बिल्कुल सही बात है। पर इसमें साथ में एक बात कहना चाह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी आप कह रहे हैं सब खुद को आगे रख करके सारी जो आप ये देखिए कि पूरा विपक्ष, पूरे विपक्ष ने जो अभियान चलाया था, ये जो चुनाव हुआ था, मैं इस बात से सहमत हूँ, भंडारी साहब की बात भी सहमत हूँ, आपकी बात भी सहमत हूँ, ये चुनाव एक लाइन के अगर अपन तय करें कि यह चुनाव किस बात पर लड़ा गया, तो सिर्फ इस बात पर लड़ा गया कि नरेंद्र मोदी जी को हटाओ या नरेंद्र मोदी जी को रखो, केवल एक इस लाइन के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया, क्योंकि पूरे विपक्ष ने एकमात्र अभियान चला रखा था। उन्होंने अपने आप ही देखिए कि सपा बसपा हम सोच नहीं सकते थे, जब एक दूसरे के खिलाफ पीटने के लिए तैयार हो गए थे, एक साथ एक दूसरे में मारपीट करी है, मायावती को पीटने के लिए सपा के गुंडे आ गए थे, और वह उनके मुकदमे चल रहे हैं अभी भी, आप वो भी एक मंच पर आ गए केवल एक डर से, केवल एक डर था सबके, संपूर्ण विपक्ष के मन में एक डर था कि कहीं दोबारा मोदी आ नहीं जाए, इसको रोको, मोदी जी को रोको। ये जो अभियान तो उसका परिणाम यह है, उसकी परिणति है कि नरेंद्र मोदी जी ही, इसलिए पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के एक केंद्र में रख करके चुनाव लड़ा गया। यही बात मैं कह रहा हूँ कि संपूर्ण विपक्ष सिर्फ मोदी के खिलाफ खड़ा था, लेकिन विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो मोदी को रिप्लेस कर सके। नीरज जी, मेरे को वो मोदी को रिप्लेस करने वाला विपक्ष का चेहरा नहीं था, कोई नजर नहीं आया। देखिए, मैं आपको बताऊं अभी ये चुनाव की स्थिति क्या हुई है, नजर नहीं आया। आपने कथा सुनी होगी खाटू श्याम जी के बरबरी की कथा सुनी होगी कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में जब सब लोग धुरंधर वहां पहुंचे और उन्होंने कहा साहब मैंने ये किया और मैंने ये किया, तो उनसे जब उससे पूछा गया बरबरी से कि आप बताइए कि आपने क्या देखा इस महाभारत में, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ कृष्ण को सुदर्शन चक्र चलाते हुए देखा। तो यह जो चुनाव चला गया चला है, इससे पूरे चुनाव के अंदर केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को पूरे विपक्ष का भी यही दह था कि नरेंद्र मोदी को रोको, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के। एक सवाल करना चाहूंगा भंडारी से, भंडारी जी आपको लगता नहीं है इस चुनाव में जितनी व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई विपक्ष के द्वारा मोदी जी के खिलाफ, उन विपक्ष जो टिप्पणियां थी उनके खिलाफ भी जनमानस में कहीं ना कहीं आक्रोश था? देखिए बिल्कुल सही, देखिए जब आप एक पीएम की जाति को लेकर सवाल पूछते हो तो एक उस समाज जाति विशेष के जो गांव दूर दराज में व्यक्ति रहता है उस समाज के व्यक्ति में आक्रोश आ सकता है। तो आप जब एक राष्ट्रपति को नहीं बगस रहे हो, एक प्रधानमंत्री को नहीं बगस रहे हो, तो पूरा उसका असर
सब जगह जाता है मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरह की टिप्पणियां उनको लेकर की गई पीएम मोदी को लेकर, देखिए मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत आरोपों के चलते भी जनता में कहीं ना कहीं एक भाव पनपा। इस बार का चुनाव जीता जहरीला चुनाव था, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं कितने आरोप प्रत्यारोप लगे, और मैं कह रहा हूँ जनता ने एक बार मानस बना लिया था कि इन व्यक्तित्व को एक बार हमें चुनाव जीत के लाना है, चाहे चाहे उन्होंने काम किए हैं, चाहे काम ना किए हैं, चाहे इन्होंने भी कुछ गलत बोल दिया है, इनकी पार्टी ने बहुत गलत बोल दिया, उन्होंने गलत बोल दिया, मोदी गाली बक रहे हैं तो वो भी कुछ व्यंग कस रहे हैं, राजीव गांधी भी कह रहे हैं, जनता ने कुछ देखा नहीं है, ना ये देखा कि हमारी हालत क्या हो रही है, इकोनॉमिक हालत खराब है, कुछ नहीं देखा, एक ही देखा राष्ट्र के नाम पर मोदी जी को एक बार जिता के लाएंगे, जो इतने वादे कर रहे हैं, जो एक व्यक्तित्व है दिखाई दे रही है, जो करके दिखा देंगे, ये जनता छप्पर फाड़ के दिया है। और अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं इस बारे में, और मोदी को उन्होंने सिर्फ मोदी को वोट दिया है, भाजपा का किसी ने मोदी को वोट दिया, मोदी को ही मोदी केंद्र में थे, मोदी कह रहा हूं, मोदी जितेंद्र जी मान रहे हैं मोदी जी को ही वोट दिया है, क्योंकि जनता देश की जनता को भरोसा सिर्फ मोदी पर था, उनको लग रहा था ये कर सकते हैं, भरोसा दिलाने में कामयाब हो गए जी। देखिए ये अब आप कुछ भी कह दो, परंतु जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। पर मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँ कि जितने हल्के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए आज तक के इतिहास में, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, नीच शब्द कहा, दोबारा फिर नीच कहा, नपुंसक कहा, थप्पड़ मार देंगे कहा, मतलब कौन सा ऐसी गाली है जो नरेंद्र मोदी जी को नहीं बखी। आपके नाम नहीं देखिए, ये तो जो जो लोग गाली देने वाले लोग थे वो सबके सब चुनाव हारे, आप रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, वो सब लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक वो सब चुनाव हार गए, चाहे वो नायडू जी हो और चाहे वो शिवाली जी, आपने क्योंकि इसी देश जो है, आपने इसी स्टूडियो में मंदबुद्धि कहा था उसको, पता है पप्पू कहते हो, गाली नहीं है, मंदबुद्धि कहा था, वो गाली नहीं है, वो उसकी मेरी बात, आदमी को पागल कहते हैं, गाली नहीं है, मंदबुद्धि अलग चीज है। देखिए दोनों साइड से, मेरी बात सुनिए, दोनों साइड से अटैक हुए थे, अब आप जो कह रहे हैं तो मैं बात करिए, मैं आपको एक बात, आज मोदी जीत गए तो हम ये कहें चुनाव में दोनों तरफ से भाषा पर जो संयम तो नहीं रहा, मंदबुद्धि शब्द और नेताओं ने जो निचले स्तर की भाषा का उपयोग किया, नहीं सिविलाइज शब्द है, गलत बात है, सिविलाइज शब्द है, नहीं गलत बात है, परंतु नीच शब्द को आप नपुंसक कह रहे हो। अरे आप प्रधानमंत्री के लिए राजीव गांधी बारे में क्या, मोदी जी ने आप क्या बात कर रहे हो, अभी ऐसी बात क्या कहा उन्होंने, तो ये जो जो इतिहास है उसको बताया, नहीं नहीं ऐसे जो इतिहास बता रहे हैं, देखिए मैं बताऊं उस टाइम में विषय में राजीव गांधी जो कहा जाता था, मैं उस विषय में अब जानना नहीं चाहता, परंतु मैं इसका रिजल्ट ये बताना चाह रहा हूं कि यह देश जो है वो त्याग तपस्या सादगी का देश है, और इस देश के अंदर इस प्रकार की भाषा करने वाले लोगों को कभी भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये जो रिजल्ट हैं ये इस बात को साबित कर रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर के लिए क्या है, ये मोदी ने मैं से माफी कर रहे हैं इन चुनाव को, मोदी कहा गया प्रज्ञा ठाकुर के लिए कि मैं कल माफी करूंगा उनको। आपसे भी सवाल है, आपको लगता है नाथुराम गोडसे क्या है अब आपकी पार्टी के लिए क्या है, क्योंकि उनको किस तरह से प्रचारित किया गया, कुछ लोग लगातार उनको बता रहे थे कि वो हीरो है,